एकलव्य विद्या संकुल। कक्षा 7 विषय हिंदी, विषयांग डॉक्टर विक्रम साराभाई, भाग 2। इस पाठ का साहित्य प्रकार है जीवनी। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस पाठ के दूसरे भाग में है। अगले भाग में हमने इस पाठ के कुछ अंशों का अभ्यास किया था, जिसमें हमने देखा था कि सबसे पहले हमारे प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधानकर्ता माने गए हैं, उनका संक्षिप्त जीवन परिचय प्राप्त किया। उसके बाद हमने इस पाठ के अभ्यास की शुरुआत की, जिसमें हमने देखा था कि विक्रम जब छोटे थे, केवल 2 वर्ष के बालक थे, उस समय उसे देखकर रविंद्रनाथ ठाकुर ने उस 2 वर्ष के बालक के बारे में एक भविष्यवाणी की थी। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस छोटे से बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से, अपने कार्यों से सच साबित कर दी। और वो बालक और कोई नहीं लेकिन हमारे प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। उसके बाद हमने डॉक्टर विक्रम साराभाई के परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिसमें हमने देखा था कि उनका जन्म 12 अगस्त 1919 को कहाँ पर हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था, जिसमें उनके माता का नाम सरला देवी और पिता का नाम अंबालाल था। उसके बाद हमने उनके बचपन की एक सुंदर और यादगार घटना देखी, जिसमें हमने क्या देखा था कि विक्रम जब 5-6 साल के बालक थे, तब वो अपने परिवार के साथ कहाँ गए? शिमला गए। और वहाँ पर शिमला में उनके पिताजी अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। उन चिट्ठियों को देखकर डॉक्टर विक्रम के मन में भी यह इच्छा जागृत हुई कि मेरे नाम पर भी इसी प्रकार ढेरों चिट्ठियाँ आए, और अपने इस कार्य में, अपने इस इरादों में सफलता हासिल करने के लिए उन्होंने क्या किया? कई सारे लिफाफों पर अपने घर का नाम और पता लिखा, और फिर वो सारे लिफाफे कहाँ डाल दिए? डाकघर में डाल दिए। फिर उनके नाम पर भी ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। जब उनके पिताजी को असलियत पता चली तो उनको हंसी भी आई, साथ ही साथ सफलता पाने की इच्छा से उनको बहुत अच्छा लगा। विक्रम बचपन से ही साहसिक कारनामे करता था, साइकिल पर कई प्रकार की कलाबाजियां करता था, और उनका सबसे पसंदीदा विषय कौन सा था? गणित और भौतिक विज्ञान, जिस पर उन्होंने बीएससी और पीएचडी भी किया था। इसके बाद उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की, वो गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से, और फिर सन 1937 में वो कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए, और वहाँ पर उन्होंने आगे का अभ्यास किया, बीएससी की परीक्षा प्राप्त की। फिर जैसे ही भारत में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई कि वो भारत आ गए, और फिर सर सीवी रामन और डॉक्टर होमी भाभा के साथ मिलकर काम करने लगे, और भारत आकर उन्होंने मृणालिनी स्वामीनाथन से विवाह किया। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ तक पाठ का अभ्यास किया था। अब आगे, उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले
रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की, मतलब कि विक्रम साराभाई जब इंग्लैंड गए थे तब उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी किया था। कौन से विषय पर? कि अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाली तरह तरह की कॉस्मिक किरणें जो रहस्यमयी है, जिसके बारे में कोई जानता नहीं है, ऐसे कॉस्मिक किरणों पर उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ब्रह्मांड तथा सौर मंडल की कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। तो कि डॉक्टर विक्रम साराभाई एक वायुमंडलीय वैज्ञानिक थे, मतलब कि ब्रह्मांड के सभी प्रतिक्रियाओं पर वो कार्य करते थे। वहाँ से आने वाले कॉस्मिक किरणें हो या फिर कई तरह के जटिल प्रश्न हो या कुछ भी हो, उस विषय में उन्होंने कार्य किया है। तो ब्रह्मांड और सौरमंडल के कई जटिल प्रश्न थे, उन जटिल प्रश्नों और उसकी समस्याओं का प्रायोगिक हल निकालने का संपूर्ण श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त एवं अनुकूल होगी। मतलब कि विक्रम साराभाई ने सलाह दी थी, सुझाव दिया था कि कॉस्मिक किरणें जो सौर मंडल से या ब्रह्मांड की या अंतरिक्ष की गहराइयों से आती है, उस पर अगर हमें प्रयोग करना है तो उसके लिए कौन सी जगह सर्वाधिक उपयुक्त है? हिमालय की ऊंची चोटियाँ, क्योंकि वहाँ पर वातावरण संपूर्ण रूप से कृत्रिमता से दूर होता है, एकदम शुद्ध और स्वच्छ वातावरण वहाँ पर हमें मिलता है। तो इन पर अगर हमें प्रायोगिक करना है या फिर रिसर्च करना है तो हमें कहाँ पर जाना चाहिए? हिमालय पर जाना चाहिए। इसीलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। मतलब कि डॉक्टर विक्रम साराभाई की सलाह से ही भारत सरकार ने गुलमर्ग कहाँ पर है? कश्मीर में, हिमालय की चोटियों के पास। तो हमारे देश का जो स्वर्ग माना जाता है, भारत का स्वर्ग, धरती का स्वर्ग गुलमर्ग, वहाँ पर भारत सरकार ने एक प्रयोगशाला की स्थापना की। किसके कहने पर? डॉक्टर विक्रम साराभाई के कहने पर। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई। मतलब कि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपने खुद के प्रयत्न से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित की। और जब उन्होंने इस प्रयोगशाला की स्थापना की तब उनकी उम्र केवल 28 वर्ष की थी, और इतनी छोटी उम्र में वो इस भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के कर्ता धर्ता थे, और जिससे वह आजन्म संबंध रहे। मतलब कि इस प्रयोगशाला में उन्होंने आजीवन कार्य किया और उनसे जुड़े रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। मतलब कि उन्होंने भारत देश में वस्त्र उद्योग की जो तकनीकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हल निकालने के लिए अहमदाबाद में किसकी स्थापना की? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की स्थापना की। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी
और खगोल पर वह कार्य करते रहे। मतलब कि यहाँ पर उनका कार्य क्षेत्र है। कौन कौन सा? तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा तथा भौतिक विज्ञान और खगोल शास्त्र। यह उनके कार्य के क्षेत्र थे जिन पर उन्होंने रिसर्च किया, अपना कार्य किया। सन 1961 में परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। मतलब कि उसके बाद उनको परमाणु ऊर्जा आयोग का क्या बनाया गया? सदस्य। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। मतलब कि वो डॉक्टर होमी भाभा और सर सीवी रामन के साथ मिलकर काम करते थे, लेकिन डॉक्टर होमी भाभा की मृत्यु के बाद परमाणु ऊर्जा संस्थान का संपूर्ण भार किस पर आ गया? डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। मतलब कि परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले वो क्या बने? अध्यक्ष। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है। अगुवाई यानी कि सफलतापूर्वक कार्य करने का उनका जो दृढ़ निश्चय है, उनका जो परिश्रम है, उसी परिश्रम का परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन एवं मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे। मतलब कि विक्रम साराभाई की बदौलत ही आज भारत के कई उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं और सफलतापूर्वक वो कार्य कर रहे हैं। उसे कहते हैं कृत्रिम उपग्रह, जो धरती से अवकाश में छोड़े जाते हैं और अवकाश में वो रिसर्च का काम करते हैं। वातावरण क्या आजकल हम देखते हैं कि बारिश के मौसम में बारिश आने से पूर्व ही उसकी अगवाई की जाती है कि इतनी बारिश होगी, इतना तूफान आएगा। तो ये किसके कारण होता है? ये कृत्रिम उपग्रहों के कारण, जो पूरे संपूर्ण रूप से ब्रह्मांड का रिसर्च करता है और उसके द्वारा हमें ये संदेशा मिलता है कि कितने प्रमाण में, कितने तरह की बारिश या फिर गर्मी या धूप हो या कुछ भी हो, उसकी जानकारी इन उपग्रहों के माध्यम से हमें मिलती है। वो वातावरण का रिसर्च करते हैं और उसके द्वारा हम अगवाई से, मतलब कि पहले से ही यह जान लेते हैं कि वातावरण में कौन कौन से परिवर्तन आने वाले हैं। तो ये सारे जो कृत्रिम उपग्रह है जो आज भी ब्रह्मांड में छोड़े गए हैं और वो कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे का संपूर्ण श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। मतलब कि विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन वैज्ञानिक विकास, मतलब भारत में वैज्ञानिक विकास हो और समग्र भारत का भी विकास हो, इसलिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत के लिए, भारत के विकास के लिए क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। और इसीलिए भारत सरकार के द्वारा उनको कई सम्मान प्राप्त हुए। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकार से नवाजा, अलंकारों से नवाजा गया। मतलब कि उनको कई पुरस्कार मिले। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार और मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से उनका सम्मान किया गया।
निःशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। मतलब कि निःशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में वो प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के वो अध्यक्ष बने और उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। मतलब कि कई महत्वपूर्ण स्थानों में वो महत्वपूर्ण पद पर कार्य करते रहे और भारत के विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। मतलब कि अणुमंच में भी वो प्रमुख के पद के रूप में उन्होंने अपना कार्य किया। और फिर सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष एवं बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष भी बनाए गए। ये उनकी सारी सिद्धियां हैं कि ऐसे कई महत्वपूर्ण पदों में उन्होंने प्रमुख और अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, तो ये उनकी कार्य सफलता है, अथाक परिश्रम का परिणाम है जो उनको इतनी सारी सिद्धियां और पद प्राप्त हुए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा एवं समाज के लिए पर्याप्त समय निकालते थे। एक वैज्ञानिक होते हुए भी इतनी सारी व्यस्तता, मतलब कि कार्य में इतने सारे व्यस्त होने के बावजूद भी कला, शिक्षा और समाज के लिए वो हमेशा समय निकालते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। अहमदाबाद में उन्होंने लोक विज्ञान केंद्र की स्थापना की और नेहरू विकास संस्थान की भी स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते थे। मतलब कि वो केवल वैज्ञानिक ही थे और वैज्ञानिक के रूप में ही काम करते थे, ऐसा नहीं था। वो हर बार कला, शिक्षा और समाज के लिए भी समय निकालते थे और इसके लिए उन्होंने लोक विज्ञान केंद्र की स्थापना की थी, जहाँ पर वो जो सामान्य जनता है, जो सामान्य व्यक्ति है, उनके मन में विज्ञान के प्रति जागृति हो, विज्ञान पढ़ने के लिए प्रेरणा उसके अंदर जागृत हो, इसके लिए वो कार्य करते थे कि लोग विज्ञान को जाने, उसे समझे और उसमें उतरने का, उसमें आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। मतलब कि एक महान वैज्ञानिक होते हुए भी जन सामान्य और उनकी विज्ञान के प्रति रुचि बढ़े, उनके कार्य में वो सतत अपना योगदान देते थे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन तुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया। मतलब कि 21 दिसंबर 1971 एक ऐसी तारीख थी जब विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम भेजा गया, जिसमें लॉन्चिंग स्टेशन तुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए वहां पर भेजा गया, निरीक्षण का कार्य करने के लिए। और जब वो वहां गए तो वहां वह एक होटल में ठहरे हुए थे और वहीं हृदय की गति रुकने पर उनकी मृत्यु हो गई। मतलब कि हार्ट अटैक आने के कारण उनकी वहां पर क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। मतलब कि उनकी मृत्यु से ही विज्ञान में हर रोज नित नए प्रयोग करने वाले, नित नए आयामों से विज्ञान को जोड़ने वाला एक जो जीवन था, एक जीवंत चक्र जो था, वो क्या हो गया, सदा के लिए रुक गया। नहीं तो जब तक विक्रम साराभाई थे तब तक वो नित नए
क्या करते थे, प्रायोगिक हल मतलब कि प्रयोग करते रहते थे और कुछ न कुछ नया संशोधन करते रहते थे। ऐसी महान प्रतिभा को मेरा शत शत नमन। तो अंत में ऐसी महान प्रतिभा को हम शत शत यानी कि 100 100 बार नमन करते हैं, जिन्होंने हमारे वैज्ञानिक जीवन को, विज्ञान को, उसके विकास को, उसको आगे बढ़ाने के लिए इतना बड़ा योगदान दिया कि अपना संपूर्ण जीवन विज्ञान के लिए समर्पित कर दिया। तो ऐसे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई को हम सभी शत शत यानी कि 100 बार नमन करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर विक्रम साराभाई से हमें कई सारी प्रेरणा मिलती है और हमारे मन में भी विज्ञान के प्रति एक रुचि जागृत होती है। तो हमें भी उनकी तरह ही बुलंद इरादे रखकर उसको सफलता प्राप्त करने के लिए जी तोड़ और तन तोड़ मेहनत करनी चाहिए, ताकि हम भी उनकी तरह एक प्रतिभा हासिल कर पाए। यहाँ पर हमारे इस पाठ का अभ्यास पूर्ण होता है। आगे का पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।